ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांगड़ा के शक्तिपीठों पर मंदिरों के कपाट बंद होने के बाद अब जिला प्रशासन मंदिरों पर शक्तिपीठों में पूजा आरती की वेबकास्टिंग और यूट्यूब प्रसारण की तैयारियों में जुटा है। दिन भर मंदिरों में इसी कार्य को अंजाम दिया गया। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि प्रदेश सरकार की एडवाइजरी के अनुसार पूरे जिला में धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। जिला कांगड़ा के शक्तिपीठों पर मंदिरों के कपाट बंद होने के बाद अब जिला प्रशासन मंदिरों पर शक्तिपीठों में पूजा आरती की वेबकास्टिंग और यूट्यूब प्रसारण की तैयारियों में जुटा है। आज दिन भर मंदिरों में इसी कार्य को अंजाम दिया गया। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि प्रदेश सरकार की एडवाइजरी अनुसार पूरे जिला में धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों में पूजा आरती की वेबकास्टिंग और यूट्यूब पर प्रसारण दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है। जो फंक्शन अवॉइड किए जा सकते हैं उन्हें अवॉइड करें, इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई है। जो स्थगित किए जा सकते हैं उन्हें किया जाए। रिटायरमेंट सहित अन्य पार्टियों के लिए कहा गया है कि उन्हें स्थगित करें। जिला के कई क्षेत्रों से लोगों की क्वेरीज आई हैं, जिन्हें विस्तृत रूप से समझाया गया है। लोगों को भीड़भाड़ से बचाव की हिदायतें दी गई हैं। यदि कोई इसकी उल्लंघना करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पता है आपको कि परसों गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की एडवाइजरी आई थी कि जितने भी हमारे श्रद्धा के ऐसे स्थान हैं उनको बंद किया जाए, चाहे वो मंदिर हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो। तो उसी अनुरूप कल पूरे जिले में जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनको बंद कर दिया गया है, और जब तक आगामी आदेश सरकार द्वारा नहीं आते हैं तब तक इनको नहीं खोला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सरकार की ये भी एडवाइजरी आई थी कि जो वहाँ पे पूजा अर्चना है, जो भी आरती है, वो समय समय पर चलेगी और अपने हिसाब से चलेगी, जैसा कि पूर्वोत्तर से निर्धारित होती है। और उसी अनुरूप इसको जो वेबकास्टिंग है इसकी और यूट्यूब चैनल पर प्रसारण है वो किया जाएगा, जिसका इंतजाम आज पूरे दिन में आज हमारे लोग लगे हुए हैं और सभी मंदिरों में कर दिया जाएगा। इसमें एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी फंक्शंस अवॉइड किए जा सकते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको पोस्टपोन करना चाहिए, जो नहीं किया जा सकता है उनको तो करना ही है। अब कहीं कोई डेथ हुई है तो वहाँ पे फंक्शंस तो होंगे ही होंगे, और साथ में कुछ लोगों की पूर्व निर्धारित शादियाँ हैं वो तो होंगी होंगी, लेकिन खास करके जैसे कुछ रिटायरमेंट पार्टीज़ हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो लोग समय समय पर करते रहे, उनके बारे में ज़रूर बोला गया है कि कृपया करके इसको पोस्टपोन करें। और मेरे पास पूरे ज़िले से बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, लोगों को समझाया गया और लोगों ने इस बात को माना भी है और सराहा भी है कि प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे भी इस तरह की मास गैदरिंग है उनको हमने बोला है कि अवॉइड किया जाए। स्कूल्स तो बंद कर दिए गए, इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए हैं, और ऐसी स्थिति जहाँ पैदा हुई जहाँ बच्चे वापस नहीं जा सकते हैं तो उनको सेल्फ क्वारंटाइन करने के लिए बोला गया कि आप अंदर ही रहें और बाहर ना निकलें। एहतियाती जितने भी कदम हैं सारे उठाए जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि जहाँ पर इसका वायलेशन हो रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।